जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं जी अज तांदला मंडी दे विच आया हां ते जनाब तुहाडे वास्ते वीडियो बनाउण वास्ते आया ते काफ़ी माशाल्लाह अज माल नज़र आ रहा, लेकिन सुबह दा टाइम है, हले हो सकदा गाहक शक बहुत घट हैगा, लेकिन जानवर मैनू कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो जनाब जनाब वीडियो शुरू करने जी, तो मैं दसने कि तांदला मंडी की की जनाब अपडेट्स है। इस तो पहले अगर तुम साढ़े चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो कर लवो, तो बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जी थोड़े तक पहुँच सके। तो चलो जनाब माशाल्लाह वीडियो शुरू कर लो। लो जी यह सारा जरा माल है, घोड़े तुम देखो, मैं तुम सावा घोड़ा दिखाऊंगा जे ए पैर शैर देखो, इन खुर वेखो, खुरां की बनावट, और उस तो बाद पिछले तुम पैर वेखो, पिछले पैर दा पा रहे हैं जनाब, तुम वेखो ना ये पा रहे है जे पैर। जनाब माल जरा माल पेशावर जा रहा है, यानी पेशावर मंडी दे विच जरा माल अक्सर जाता है, पठान लैके जाते हैं, वो इतों ही तांदला वाली मंडी दे विच लैके जाते हैं। तो लो जनाब असी देखो मालक है जी, मगर ये घोड़ा बखी पै जाता, बखी पै जाता घोड़ा, तां पर एक डांग वाला कोले खलोता होया कि बखी ना पै जाए। ये जी 65,000 का घोड़ा, और ये पेशावर मंडी में लेके जा रहे हैं। आवाज तो उसकी आवाज तुसी वेख ली होगी कि जिन्हे पठान खड़े जे सब पेशावर मंडी का माल इतों खरीद के लैके जाते हैं, एक काबल दे विचों माल नहीं आता, ये सारा माल जेड़ा वो इतों ही लैके जाते हैं। लै हुण तुहानू दिखाना कि जेड़े जेड़े इन्होंने इतों जानवर खरीदे हुए जे, एक घोड़ा खलोता हो जे तुम देखते पै जे ऐ वाला है, ऐ वाला, क्योंकि पेशावर मंडी दे विच माल जेड़ा वो ज़्यादातर रेड़े वाला चलता, शौकीन वाला उत्थे कोई नहीं, जेकर कोई रेड़े वाला कोई चंगा जानवर भी है तो वह भी जनाब बस इस तरह ही 65-70 हज़ार रुपए का इतों लेंदे ने, इस तो ज़्यादा नहीं लै। तो लो जनाब अगे चलने, अगे दिखाने। तो लो जनाब ए वाली जी घोड़ियाँ, ए पेशावर का माल है जे, ए सारा जो अभी दाहर दस रहे हैं, ये सारे जिन्हियां घोड़ियाँ घोड़े ने ये पठान इतों हूँ खरीद लग पे ने, होर किधरों नहीं लेंदे इतों ही लेंदे ने। तो यह भी देखो ये 65-70 हज़ार रुपए का माल है, लो प्राइस दे विच जिन्होंने कोई मजदूरी करनी है या कोई इस तरह करनी है उन्होंने वास्ते ये माल है। देखो यह बंदा ए घोड़ी लैके आया, ये भी कोई 60-65, 55-60 बस इस गेट के बच्चे पै जाए। अभी पठान दे पर तुसी यह वेखो तुसी कि जेडे इत्थे जानवर आंदे जे वो कोई शौक वाला, वाकई जानवर शौक वाला तो नहीं है कि जिन्हें कोई
ਮਸ਼ਰੂਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੇੜਾ ਬਾਂਦ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੁੜੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕ ਵੜਦਾ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਵੜਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੜਦਾ ਹੋਲ। ਇਹ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਖਲਾ ਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਅ ਪ੍ਰਾਈਜ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਦਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾ ਜੀ। ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਮਾਨੁਲਲਾਹ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ 5 ਸਾਲ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਰੇੜੇ ਰੂੜੇ? ਹਾਂ ਰੇੜੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ। ਨੰਬਰ 0301 730 5735। ਨਾਂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਬਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰ ਖਾਈ ਲੰਮਾ ਟੋਰ ਖਾ ਚੱਕਰੀ ਨਾ ਪਾਈ ਲੰਮਾ ਦੁੜਕੀ ਪੰਜ ਮਾਇਆ ਬਾਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਗਏ 2200 ਦੀ।